ओ दे हजूर चेवो गीत गाँदे तू सीवी ऐसा जमी दिलों को तारीफ करो रब दी यहोवा तू सी जानो जो है खुदा यहोवा तू सी जानो जो है खुदा बनाया यो ने सानू बनाया यो ने सानू हाँ यो दे सीवी ऐसा जमीन दे लोको तारीफ करो रब दी खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी खुदा दी बंदगी खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी हालेलुया 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 यहोवा कायम रखदा है नेक मर्द दे कदमा नू नेक मर्द दे कदमा नू यहोवा करदा है पसंद नेक मर्द दे रामानू जमी दे वारस होवणगे मुबारक येसु दे पर जिन्ना ओते लानत है ओ कटे जा अवनगे हालेलुया 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 तारीफ दा मैं देवा बलिदान पले आइया जदों याद करां तारीफ दा मैं देवा बलिदान पले आइया जदों याद करां तारीफ दा मैं देवा बलिदान पले आइया जदों याद करां तारीफ दा मैं देवा बलिदान पले आइया जदों याद करां हालेलुया खुदावन हम तेरी हमद करते हैं तेरी तारीफ करते हैं तेरी तारीफ करते हैं खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद तेरे नाम को सजदा करते हैं हालेलुया तेरे नाम की महिमा करते हैं तुझे जलाल हालेलुया 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 ब्लेस यू लॉर्ड जीसस ब्लेस योर होली नेम ब्लेस यू जीसस ऑफ नेजरेथ ब्लेस योर होली नेम ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू जीसस Bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, Jesus of Nazareth. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Bless your name.
bless you, Lord. We come to bless you, bless you, bless you. Praise you, praise your name, praise your name, praise your name. Hallelujah, hallelujah. Alpha और Omega, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. Hallelujah. राजाओं के राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभुओं के प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं. Hallelujah. मृतकों में से जी उठे स्वामी, हम तेरी स्तुति करते हैं. Hallelujah. मृत्यु को हराने वाले, अधोलोक पे जयवंत यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं. प्रभु, आपने हमें बहेलिए के जाल से छुड़ाया. प्रभु, आपने अंधकार के चुंगल से हमें छुड़ाया. प्रभु, आप हमारी फिरौती बने, आप हमारा रैंसम बने. प्रभु, आपने हमें छुड़ाने के लिए अपने आप को दे दिया. हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभु, आपके अद्भुत प्यार के लिए आपने मेरे छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया. खुदावन, मेरे छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया. यीशु मसीह, मेरी चंगाई के लिए अपनी पीठ को दे दिया. यीशु मसीह, मेरे को जीवन का मुकुट देने के लिए आपने कांटों का मुकुट रख लिया. यीशु मसीह, हालेलुया. यीशु मसीह, मेरी इनिक्विटी को, मेरी बदकारी को, खुदावंद, मेरे अंदरूनी गंदे पापों के लिए आपने अंदर से अपना लहू बहाया. खुदावंद, हालेलुया, आपका धन्यवाद. आप प्रभु जी मेरे लिए घायल किए गए, आप मेरे लिए कुचले गए, तो भी हमने आपको परमेश्वर का मारा और कुचला हुआ जाना. पर आपने तो हमारे रोग उठा लिए, आपने तो हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, आपने तो हमारे अपराध अपने ऊपर ले लिए. प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. प्रभु, मेरा कफारा बनने के लिए आपका धन्यवाद हो. प्रभु, मेरे लिए अपना लहू बहाने के लिए आपका धन्यवाद हो. मैं आपकी स्तुति करता, आपकी महिमा करता, आपके नाम को ऊँचा करता, आपका गुणानुवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ. जलाली जलाली यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद. स्तुति हो, स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह, आपकी महिमा, महिमा, महिमा हो, महिमा हो. यहूशा हमशिया, हालेलुया. टोडा यहूशा हमशिया, 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 टोडा यहूशा हमशिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. शुक्र हो खुदावन, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद. शुक्रन, शुक्रन, शुक्रन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद. प्रभु, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद. लहू की जय हो यीशु मसीह, आपके लहू की जय, 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 लहू की जय. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. लहू की जय, 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 लहू की जय हो यीशु मसीह, आपके लहू की जय हो, लहू की जय हो, लहू की जय हो, लहू की जय, लहू की जय हो, लहू की जय हो, लहू की जय. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. हालेलुया, हालेलुया. बोनो सके तेरे जेले ए बेदाना हे लागा जा नजारा ला शेहे देने तेरे जागा दला. बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू. बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू. अल्फा ओमेगा है तू, तूफान में साहिल है तू. अल्फा ओमेगा है तू, तूफान में साहिल है तू. यीशु पाक है तू, पाक है. सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है.
सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू। बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू। अल्फा ओमेगा है तू, तूफान में साहिल है तू। अल्फा ओमेगा है तू, तूफान में साहिल। यसु पाक है, तू पाक है। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तुझे जलाल देते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद तू महान है, खुदावंद तू जिंदा है, तू हमारा शाफी है खुदावंद। हालेलुया। तू हमारा रब्बुल फाज है, हमारा बाप है, हमारा अब्बा है, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। खुदावंद आज जितने लोग उपवास में हैं, बहुत सारे लोग खुदावंद उपवास में हैं, इंडिया में हैं खुदावंद, कनाडा में हैं, यूएस में हैं खुदावंद, और फीजी न्यूजीलैंड में भी हैं कुछ लोग, ब्रिटेन में हैं खुदावंद बहुत सारे लोग। एक एक को अपने खून में छिपाना, एक एक को खुदावंद कुवत देना, सामर्थ देना, अपना बल देना खुदावंद। हालेलुया। तेरे नाम को जलाल मिले यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन में से एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने पुराने नियम में इसराइली प्रजा को कई प्रकार के बलिदान चढ़ाने के लिए आदेश दिया। इनफैक्ट परमेश्वर ने मूसा को, जब मूसा परमेश्वर के जलाल में अग्नि में ही पहाड़ पे था, तब परमेश्वर ने अपनी पूरी व्यवस्था मूसा को दी, और परमेश्वर ने पांच प्रकार के बलिदान यहोवा के सन्मुख चढ़ाने के लिए कहा। सबसे पहला बलिदान है बर्नट ऑफरिंग, जिसे हम होम बलि कहते हैं। लेवी व्यवस्था उसके 6:8-13 में, लेवी व्यवस्था 8:18 में, 18-21 में, लेवी व्यवस्था 16:24 में, परमेश्वर होम बलि की विधियां बताता है। प्रभु को होम बलि चढ़ाने के लिए कौन कौन से जानवरों की दरकार थी? बुल, जिसे हम भैंसा कहते हैं, बुल, रैम, जिसे हम मेढ़ा कहते हैं, या प्रभु ने यह भी व्यवस्था की थी जो लोग निर्धन हों वो यहोवा को पंछी चढ़ा सकते हैं, डब या यंग पिजन, गरीब लोगों के लिए डब चढ़ा दें या जवान पिजन, कबूतर चढ़ाएं। और ये जानवर बिल्कुल कामिल होने चाहिए, इनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और इस कुर्बानी का अभिप्राय क्या है? ये यदि आपने वॉलंटरी आराधना करनी है परमेश्वर की बिना किसी उद्देश्य के, तो भी आप ये कुर्बानियाँ यहोवा को चढ़ा सकते हैं। और यदि आपने अनइंटेंशनल सिन, कोई पाप जो अनइंटेंशनल, आपकी आपने जानबूझ के नहीं किया वो पाप, वो अनजाने में हुआ पाप, उस पाप के लिए परमेश्वर को ये भेंट चढ़ानी है। ये पुराने नियम की व्यवस्था थी, और ये हमारी इसराइलियों की डिवोशन का, भक्ति का भी एक्सप्रेशन था।
हालेलुया। 16 अध्याय का 24 वचन भी है, लेविटिकस 16 का 24 भी। तो जो पाप अज्ञानता में हुआ उसके लिए, और हमारी डिवोशन या हमारी कमिटमेंट या सरेंडर करना किसी ने प्रभु के आगे, तो भी ये कुर्बानियां चढ़ाता था। तो जो हमारा सरेंडर है प्रभु के आगे पूरी तरह से समर्पण, वो होम बलि की मानिंद है। हालेलुया। और दूसरी कुर्बानी जो परमेश्वर ने इसराइलियों को आदेश दिया चढ़ाने के लिए, उसका नाम है ग्रेन ऑफरिंग, अन्न बलि। वो लेवी व्यवस्था 2 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, पूरे 2 अध्याय में, और लेवी व्यवस्था 6 अध्याय के 14 से 23 वचन में। लेवी व्यवस्था 2 अध्याय में और लेवी व्यवस्था 6 अध्याय के 14 से 28 वचन में। यह है ग्रेन ऑफरिंग, जिसे हम कहते हैं अन्न बलि। इसमें अनाज चढ़ाना, ग्रेन चढ़ाने प्रभु को, बहुत बढ़िया किस्म का आटा, जैतून का तेल और खुशबूदार धूप और बेक की हुई चपातियाँ, नमक, उसके अंदर खमीर नहीं होना चाहिए, और हनी, ये प्रभु को चढ़ाना है। हालेलुया। और इसके साथ एक ड्रिंक ऑफरिंग भी देनी है, जिसे अर्घ कहते हैं, उंडेल देना, वो ऑफरिंग भी यहोवा के आगे चढ़ानी है। और इसका उद्देश्य क्या था इस बलिदान का, ये भी वॉलंटरी एक्ट ऑफ वर्शिप था। अगर कोई आराधना करनी चाहता था प्रभु की, तो आराधना के साथ ये कुर्बानियाँ चढ़ा देता था। परमेश्वर के संग संगति, फेलोशिप, परमेश्वर के संग गहरा रिश्ता चाहने वाले लोग भी ऐसा करते थे। हालेलुया। तीसरी जो ऑफरिंग है, कुर्बानी है, वो है फेलोशिप ऑफरिंग। हालेलुया। पहली है होम बलि, दूसरी है अन्न बलि, तीसरी है मेल बलि, परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए जो बलि है। लेवी व्यवस्था 3 अध्याय में आप पढ़ें, और आप पढ़िएगा लेवी व्यवस्था 7 अध्याय के 11 से लेकर 34 वचन तक, लेविटिकस 7:11-34। इसमें आपको मिलेगी फेलोशिप ऑफरिंग, जिसे हम कहते हैं मेल बलि। और इसमें क्या चढ़ाया जाता है, कोई भी जानवर जिसके अंदर डिफेक्ट ना हो, कमी ना हो, घटी ना हो, वो झुंड में से लिया जाए, और कई प्रकार की रोटियां इसके संग चढ़ाई जाती थी प्रभु को। किसी भी जानवर की कुर्बानी और संग में कई प्रकार की रोटियां, ये भी परमेश्वर के आगे, अब अगर आप आराधना करना चाहते तो ये बलि भी आप पर यहोवा के आगे चढ़ा सकते हो। अगर आपने धन्यवाद देना, शुक्रगुजारी करनी है, तो भी ये बलि परमेश्वर के आगे आप चढ़ा सकते हो। और ये फेलोशिप के लिए है, संगति के लिए, मेल बलि। चौथी है सिन ऑफरिंग, पाप बलि। हालेलुया, पाप की बलि। ये लेवी व्यवस्था 4 अध्याय में पढ़िए, लेवी व्यवस्था 5 अध्याय का 13 वचन, लेवी व्यवस्था 6 अध्याय का 24 से 30 वचन, लेवी व्यवस्था 4 अध्याय का 14 से 17, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय का 3 से 22। हालेलुया। इसके रेफरेंस लिख लीजिए, पाप बलि, लेवी व्यवस्था 4, लेवी व्यवस्था 5 का 13, लेवी व्यवस्था 6 का 24 से 30, लेवी व्यवस्था 8 का 14 से 17, लेवी व्यवस्था 16 का 3 से 23, 22 तक एक्चुअली। और इसमें क्या प्रभु को चढ़ाना है, यंग बुल, जवान भैंस, भैंसा, ये महायाजक के लिए है चढ़ाना। आपने महायाजक की ओर से ये बलि देना है एक, और दूसरी क्या है, एक मेल गोट चढ़ाना है, बकरा चढ़ाना है यहोवा को, लीडर के लिए, अगुए के लिए। तीसरा फीमेल गोट या मेमना, लोगों के लिए। 3 बलिदान है इसमें, एक याजक के लिए, दूसरा अगुए के लिए, तीसरा प्रजा के लिए। और चौथी कौन सी भेंट चढ़ा सकते हो आप, जो गरीब लोग हों, वो यहोवा को डव, फाख्ता जिसे हम बोलते हैं, और कबूतर चढ़ा सकते थे। हालेलुया। और इसके संग क्या प्रभु को अर्पण करना है, ईफा का 5वां हिस्सा, बढ़िया वाला आटा,
निर्धन लोग जो हैं वो ये दे सकते हैं यहोवा को। हालेलुया। और इसका उद्देश्य क्या था इस बलिदान का? इसका उद्देश्य था अगर किसी ने कोई पाप किया है और ये पाप अनइंटेंशनल है, मतलब खुशी से नहीं किया, गलती से हुआ है, तो वो अपने पापों का अंगीकार करे, पापों की क्षमा मांगे, अपने आप को पाप की हुई डिफाइलमेंट से धोए और ये बलिदान यहोवा के आगे चढ़ाए। पांचवी बलि जो है वचन में, पुराने नियम में, वो थी सिन गिल्ट ऑफरिंग। गिल्ट ऑफरिंग को बोलते हैं दोष बलि। कोई काम किया जिससे दोष लगा है, वो दोष बलि यहोवा को चढ़ानी है। वो है लेवी व्यवस्था 5:14, 6:7, 7:1-6। इसमें यहोवा को क्या अर्पण करना है? रैम, मेमना या मेढ़ा जिसे बोलते हैं, वो अर्पण करना है। ये कंपल्सरी है, मैंडेटोरी कुर्बानी है, ये आपकी इच्छा से नहीं है, ये चढ़ानी पड़ेगी आपको यदि आपने अनइंटेंशनल पाप किया है, अनजाने में हुआ है। इसका रेस्टिट्यूशन, इसका खमियाजा देना पड़ेगा, और इसकी जो गंदगी आपके अंदर पैदा हुई है उससे, उस डिफाइलमेंट से आपको धुलना पड़ेगा, रेस्टिट्यूशन देना पड़ेगा। आपको 20% फाइन हो सकता है, 20% बढ़ा के देना पड़ेगा जिसका नुकसान भी हुआ है। गिनती की पुस्तक 7:13-7 पढ़िएगा आप। हालेलुया। तो देखिए, पहली है, सबसे पहली क्या है? बलि, वो है बर्नट ऑफरिंग, होम बलि। दूसरी है ग्रेन ऑफरिंग, अन्न बलि। तीसरी है फेलोशिप ऑफरिंग, मेल बलि। चौथी है सिन ऑफरिंग, पाप बलि। पांचवी है दोष की बलि। यीशु मसीह ने ये सारी की सारे बलिदान अपने एक ही महाबलिदान में पूरे कर दिए। हालेलुया। तो भाई और बहनों, वो हमारी होम बलि बना, वो जला दिया गया हमारे लिए, मुकम्मल तौर से फना किया गया। वो हमारी ग्रेन बलि बना, अन्न बलि, अन्न को भी जला दिया जाता है। वो हमारी मेल बलि बना, उसने मिलाप कराया, वो हमारा मेल है यहोवा के साथ। वो हमारी पाप बलि बना, वो जो पाप से अज्ञान था आपके और मेरे लिए पाप बन गया। और वो हमारी दोष बलि बना, सारा दोष हमारा यीशु मसीह के सर मर दिया गया। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें हम मिलके। हालेलुया, धन्यवाद। सभी मिलके, और आप में से जिन जिन लोगों ने उपवास रखा है, मैं पास्टर सतपाल जी को बोलूँगा, सबके लिए वो प्रार्थना करेंगे। जिन जिन लोगों ने उपवास रखा है, जितनी करी जाओ प्रार्थना। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद, तुसीं जलाली बाप जी साडे तुसीं सोचने तो वधीक करदे जे प्रभु जी, जिन्ने भी तुहाडे बेटे ते बेटियां ने खुदावंद प्रभु वर्त रख के तुहाडे अगे झुक के धन्नवाद की भेट चढ़ा रहे ने प्रभु जी। तुसीं एक एक दी आसा नूं पूरियां करना, तुसीं प्रभु साडी आसा जे, तुसीं साडी मुक्ति जे, तुसीं साडी चट्टान जे, तुसीं साडे बल जे, तुसीं साडे घर जे प्रभु जी, तुसीं साडे लुकणे दी थां जे। खुदावंद तुहाडा धन्नवाद करदे हां, एक एक दे उत्ते तुहाडी बरकत ठहरे प्रभु जी। तुहाडा वचन प्रभु एक एक नूं हां धो दवे प्रभु जी, पवित्र आत्मा एक एक नूं मसा करे प्रभु जी। तुहाडा धन्नवाद तुहाडे लहू दे लई, तुहाडा धन्नवाद तुसीं ताहे साडे लई प्रभु जी। खुदावंद क्रॉस दे उत्ते प्रभु बलिदान प्रभु जी हो गए, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद। ती पिट ते कोरे खाधे साडे लई, हत्थां दे विच किल टकाए खुदावंद, वक्खी दे विच नेजा मरवाया प्रभु जी। तुसीं साडे लई
हाँ सारा भुगतान कर दिता है प्रभु जी, तुम साढ़े लिए कुरबान होए तो सानू निजात दी, सिफा दी, पापा तो माफ़ी दी है प्रभु जी। थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। एक एक दे घर घराने के उत्ते तुहाडी बरकत ठहरे प्रभु जी, थोड़ा पवित्र हाथ वधे। थोड़े दास भाई विनोद नूं वी थोड़े लहू दे विच लुकाउने आ, जिन्हां दे वसीले दे नाल प्रभु जी सानू खुदावंद तुहाडे हाँ वचन कलाम दा मौका मिलदा प्रभु जी सुनन दे उत्ते। प्रभु असी सुन वाले नहीं, हाँ प्रभु असी अमल करन वाले होईए। 30 ते 60 नहीं, 100 ते 1000 गुणा तुहाडे दास दे वसीले असी बरकत पाईए। ते अपने दास दे घराने दे उत्ते वी वड्डी असीस दिओ, बरकत दिओ, अगले समय में साड़ी सब की मदद करियो। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम च मंगदे आमीन। हालेलुया। बहरोबर को तूने बनाया, धरती को फूलों से सजाया। बहरोबर को तूने बनाया, धरती को फूलों से सजाया, और नीले आकाश को, और नीले आकाश को। प्रभु यीशु जी तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु जी तेरी जय जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी बरकत हम पर हो, तेरी बरकत हम पर हो। प्यारे यीशु जी तेरी जय जय हो, प्यारे यीशु जी तेरी। कीड़े इंसान और दरिंदे, जंगली जानवर और परिंदे, कीड़े इंसान और दरिंदे, जंगली जानवर और दरिंदे। रोजी देता तू सबको, रोजी देता तू सबको। प्यारे यीशु जी तेरी जय जय हो, प्यारे यीशु जी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी अवधि चट्टान हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के जल के झरने, तू हमारा स्रोत है। तू ही है हमारी जीवन धारा खुदावन, तू ही हमारी आशा है खुदावन। यीशु मसीह तू ही हमारी रोशनी है यीशु मसीह, तू ही हमारी खुशी है, तू हमारी शादमानी है। खुदावन हम तुझ में कामिल हैं। लॉर्ड आई स्टैंड कंप्लीट इन यू,
I stand perfected in you, Lord. Hallelujah. I stand perfected in you, Lord. Tera dhanyavaad. Lord, I thank you. Lord, I bless your holy name. हालेलुया हालेलुया खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा हमारे जीवनों पे, हमारे जीवनों को खुदावन अपने पैटर्न पे बना, स्वर्गीय पैटर्न पे बना हमें खुदावन। बहुत सी कमियां और घटियां हैं मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा की आग से निकाल खुदावन, पवित्र आत्मा की आग से जला। वही आग जो झाड़ी को लगी थी, वही आग मेरे वजूद को लगा खुदावन, वही पवित्र अग्नि लगा। मैं पवित्र आत्मा की अग्नि चाहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द तेरे पवित्र आत्मा की अग्नि हो। अपने जीवन के लिए अग्नि मांगे प्रभु से। शोले 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 रुकी आग के शोले, भेज खुदावन जिंदा खुदावन, भेज खुदावन खुदावन रुकी आग के शोले। मांगे अपने जीवन के लिए रुकी आग के शोले शोले। आग लहू के चश्मों की धार से और इन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की, हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इस में रजा। हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इस में रजा। तू बख्शे उसी को जिंदगी, तू बख्शे उसी को जिंदगी। खोले 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 दिल का दर जो खोले, खोले 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 दिल का, भेज खुदावन जिंदा खुदावन, भेज खुदावन जिंदा खुदावन रुकी आग के शोले, रुकी आग के। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं। लॉर्ड सेंड फायर, लॉर्ड सेंड योर प्रेशियस फायर, लॉर्ड योर प्रेजेंस इज फायर। यू आर ए कंज्यूमिंग फायर लॉर्ड ऑलमाइटी, योर प्रेजेंस इज सेक्रेट फायर। आई प्रे फॉर दैट फायर टू कम अपॉन योर पीपल, दोज हु आर फास्टिंग, दोज हु आर even not fasting, those who are praying today, those who are online and those who will be online later, I pray Lord that you send fire, send the flames of the Holy Spirit, burning flames of the Holy Spirit. Let them destroy everything that the enemy has planted. Lord, let them destroy,
consume the darkness. Let the fire, the flames of fire, consume sickness and diseases in the bodies of your people. Lord, let the fire eat up everything that is from the enemy. Every weakness, every infirmity, every sickness, every disease, Father. Father, let it burn in the fire. Lord, it cannot stand in your holy presence. It cannot stand in your fire, Lord. It must be decimated. It must be annihilated. It must be destroyed utterly in your fire. Lord, in your fire, let every body be cleansed right now. Every body be cleansed. Every body through the fire, through the blazing furnace of the Holy Ghost. Father, I now unleash the fire. Fire, fire, wherever people are gathered. Lord, in England, in Canada, Lord, in the United States, Lord, people who are gathered in the United States, Lord, people who might be in Malaysia and New Zealand and Fiji, Lord. Lord, other parts of the world, people in India, Lord God, different parts of North India, and Lord, other parts of India. Lord, let the fire come now. Fire come, fire, fire. Lord, I pray for the fire of your presence. Lord, fire, Holy Spirit, bring the fire of the presence of the Lord. Let the fire consume darkness. Let the fire consume every infirmity, every sickness, even in my body. No infirmity should stay, Father. No weakness, no sickness should stay, Father. Every sickness, infirmity, weakness, burn in the fire of the holy presence of God. Every disease, every sickness, every infirmity, burn now in the fire of the Holy Ghost. Lord, let every demon of hell, every demonic spirit, Lord, every bad habit, every addiction to bad things, Lord, burn in the fire of the Holy Spirit. Lord, let every heart be purged in the blood. Lord, let every spirit burn in the fire, burn in the fire, burn in the fire. Lord, let the light shine on the inside, light shine on the inside. Lord, I speak breakthrough in the name of Yahusha, breakthrough in the name of Yahusha HaMashiach. Lord, the walls to fall down. I command the walls to fall down. Jericho walls are tumbling down in the name of Yahusha HaMashiach. Yariho ki diwaare gir rahi hain. Yariho ki diwaare gir rahi hain. Pavitra Atma de vasile de naal peera Pita Yeshu Masih de kanwa de vich dig rahiyan ne ਟਹਿਰਈਆਂ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁਣ ਟਹਿਰਈਆਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਹਿਰਈਆਂ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁਣ ਟਹਿਰਈਆਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਹਿਰਈਆਂ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁਣ ਟਹਿਰਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੇਬਾ ਨਾ ਸਾਕੇ ਤੇਲੇ ਰੇਜ਼ਾ ਗਾਹੋ ਤੋਂ ਨੋਖੋ ਬਰਾਸੇ ਹੇ ਬੇਡੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੰਦੇ ਨੇ ਕੇ ਤੋਂ ਨੋਖੋ ਰੋਸੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖੇ ਤੇ ਲੈ ਲੇ ਬਦਰੂ ਹੋ ਅਬ ਭਾਗੋ ਛੋੜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਯੱਸੂ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਯੇ ਤਾਨ ਯੱਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇ ਫਤਿਹ ਹਮਾਰੀ ਹੈ ਯੱਸੂ ਕੇ ਖੂਨ ਸੇ ਯੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਦਰੂ ਹੋ ਅਬ ਭਾਗੋ ਛੋੜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਯੱਸੂ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਯੇ ਤਾਨ ਯੱਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇ ਫਤਹਾ ਹਮਾਰੀ ਹੈ ਯੱਸੂ ਕੇ ਖੂਨ ਸੇ ਯੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਦਰੂ ਹੋ ਅਬ ਭਾਗੋ ਛੋੜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਯੱਸੂ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਯੇ ਤਾਨ ਯੱਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇ
फतहा हमारी है यस्सू के ये फतवा जारी है यस्सू के नाम में फतहा हमारी है यस्सू के खून में फतवा जारी है बदरू हो अब भागो पवित्र आत्मा की आग में भेद करें भेद पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर है आप जितने इस समय जुड़े हुए हो पवित्र आत्मा की आग को अपने अंदर समाने दें आपकी कमजोरी आपकी बीमारी आपकी दुर्बलता इस आग में भस्म होके आपको छोड़ने वाली है पवित्र आत्मा की आग वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देता है वो पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा देता है यीशु मसीह में तेरी आग को खोलता हूँ जितने बीमार हैं खुदावंद इस समय जितने बीमार हैं जितने रोगी हैं जिनके शरीर में कमजोरियां हैं खुदावंद जिनके परिवार में कमजोरियां हैं प्रभु घराने के लोगों में बीमारी है रिश्तेदारों में बीमारी और कमजोरी यीशु मसीह में तेरे खून की कुदरत को यीशु मसीह में ब्लड एंड फायर को खोलता हूँ ब्लड एंड फायर तेरे खून और तेरी आग को खोलता हूँ तेरे खून और तेरे पवित्र आत्मा की आग को खोलता हूँ तेरी अग्नि से हर बीमारी भस्म हो खुदावंद हर बीमारी खुदावंद कुवत का लिबास दे तेरे लोगों को कुवत दे मसा दे खुदावंद नई कुदरत से भर खुदावंद एक एक जन को अपने हाथ उठा के यीशु मसीह का धन्यवाद करें सब बोले मेरे संग आए तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे खून बहाने रिहाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा तेरे खून बहाने मिली मुझको रिहाई हालेलुया खुदावन जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन ये लोग मुकम्मल तौर पे तेरी आग से भर जाएं इन उपवासों में खुदावंद अजीम काम हो तेरे लोगों के जीवन में हर जुआ टूट जाए हर जंजीर पाखरू की आग में पिघल जाए खुदावंद जिन्होंने रोज़े नहीं भी रखे हैं उनको भी छूना और तौफीक देना ग्रेस देना खुदावंद तेरे हजूर में ठहरने की खुदावंद इस घर को तेरे लहू में ढांकते हैं तेरे फरिश्तों का बाड़ा बांधते हैं खुदावंद तेरी आग की दीवार को खोल तेरे कलाम के बुलवर्क को खुदावंद खड़ा कर हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया शाम को फिर
प्रार्थना में मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की।